अनुशक्ति नगर भारत नगर में हसीना नगर एक स्लम क्षेत्र है और यह एक उच्च पहाड़ी में स्थित है। पिछले कई महीनों से लोग पानी के संकट से जूझ रहे। पिछले 2 माह से लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। मुंबई नगर निगम को लिखित में कई बार समस्या की सूचना दी जा चुकी है, लेकिन अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। आम आदमी पार्टी ने मुंबई नगर निगम MMC के एम ईस्ट वार्ड में रोजाना पीने के पानी के लिए बर्तन लेकर आंदोलन किया। कारण की वार्ड क्रमांक 152 ज्या ठिकाणी भारत नगर सारखा डोंगराळ एरिया आहे, हसीना नगर आहे, KNG नगर आहे, हशु आडवाणी नगर आहे, या विभागामध्ये अनेक वर्षांपासून लोक डोंगराळ भागामध्ये वस्ती करून आहेत। जवळजवळ 10 वर्षापासून त्या ठिकाणी पाण्याची समस्या आहे, पण आतापर्यंत लोकांनी पाण्याशिवाय सहन केलं। डोंगरावरून लोकांना खाली जमिनीवर तळापर्यंत येऊन पाणी भरावं लागतं। पाणी नसल्यामुळे अनेक आजारांना निमंत्रण द्यावं लागतं। लोक गढूळ पाणी पितात। पुढची आता तर वरिष्ठांनी असं त्यांना चेतावणी दिलेली आहे की जर का या 4 दिवसामध्ये पाणी नाही आलं तर पूर्ण मुंबईची आम आदमी इथे आंदोलन करेल। आणि या आंदोलनाबद्दल तर मी तुम्हाला असं सांगतो आहे की गेल्या 40 वर्षापासून हा पाण्याचा प्रश्न प्रलंबित आहे। या 40 वर्षापासून फक्त राजकारण पाण्यावरती होते आणि 40 वर्षापर्यंत कोणताही राजकारणी, कोणताही पार्टीतला माणूस, आमदार, खासदार किंवा नगरसेवक यांनी ह्या प्रश्नाला चेतवत ठेवलेले, पेटवत ठेवलेले, नेहमी ह्या प्रश्नावर ते पाणी टाकतात। मी नीता सुपटणकर, आम आदमी पार्टीची वॉर्ड 152 अध्यक्ष। आज पार्टीने 152 जो वॉर्ड आहे ज्यात भरतनगर, गव्हाणपाडा, गडकरी, शंकर देवळे सगळे इलाके येतात, त्याची जबाबदारी मला दिली। तेही जबाबदारी पार पाडताना भारतनगरमध्ये जे काही रहिवासी आहे त्यांच्याशी गेले 5-6 महिने आम्ही भेटत होतो, तेव्हा त्यांनी आम्हाला पाण्याची समस्या सांगितली। प्रत्येक वेळी आम्ही आमच्या कार्यकर्त्यांना घेऊन या BMC ईस्ट वॉर्ड जो आहे देवनारकडे तिकडे आलो, पण आम्हाला कधीही कुठले अधिकारी भेटले नाही। शेवटी आम्हाला मोर्चा काढायचं ठरवावं लागलं आणि आज आम्ही त्या सगळ्या आमच्या कार्यकर्त्यांना घेऊन BMC वॉर्ड जो पूर्व विभाग आहे तिथे एक मोर्चा काढलेला आहे। त्या मोर्चामध्ये पाण्याचे अधिकारी तसेच देवनार पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ निरीक्षक अडाणेजी ह्या सगळ्यांनी मिळून आज आम्हाला आणि जनतेला आश्वासन दिलेलं आहे। अनुशक्ति नगर में भारत नगर इलाके में पिछले 6 महीने से पानी नहीं आ रहा है। ये डोंगर का इलाका है, यहाँ पे नॉर्मली ऊपर चल के जाने में 15-20 मिनट लगते हैं। पानी सिर्फ नीचे के लेवल पे आता है, वो भी 15-20 मिनट तक। आप सोच सकते हैं कि महिलाएं, बच्चे 20-20, 30-30 लीटर पानी लेके ऊपर जब चढ़ के जाते हैं उनके सेहत पे क्या असर पड़ने वाला है। हमने देखा है रास्ते में लोग रुक जाते हैं, वहाँ पे उनकी सांस फूल जाती है, कभी किसी दिन कोई घटना हो गई तो क्या होगा। पिछले 6 महीने से हम लोग BMC से पत्र व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी है उबाड़े जी, ये आज तक इन्होंने हमको 6 विजिट में आज तक कभी मीटिंग दी नहीं है। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर।